हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगी। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ गिवन पॉलीनॉमियल। द पॉलीनॉमियल इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एंड वी हैव टू डिवाइड दिस पॉलीनॉमियल बाय द अनदर पॉलीनॉमियल gx। After division, we get the quotient is x minus 2 and the remainder is minus 2x plus 4. So you can see over there, ki we have dividend and we have the quotient and we have the remainder. But we have to find the divisor. And you also know that these four terms are come in the division algorithm. Division algorithm pata hai na? क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, सो डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा डिविजन एल्गोरिथम होता है। अब अगर हमारा डिविडेंड जो है वो पी एक्स है और जो डिवाइजर है वो हमारा जी एक्स है और जो हमारा कोशेंट है वो क्यू एक्स है और जो रिमाइंडर है वो आर एक्स है। ठीक है ना, तो यही हम नॉर्मली यूज़ करते हैं टर्म्स डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन्ट और रिमाइंडर के लिए। तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तीनों चीज़ें हमको गिवन है। हमको निकालना क्या है? जी एक्स। तो जी एक्स के लिए देखिएगा हम कैसे कर सकते हैं। इस आर एक्स को इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इफ़ वी चेंज एंड वी चेंज द इक्वेशन द टर्म्स ऑफ जी एक्स। तो ये आर एक्स तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि जी एक्स के साथ क्यू एक्स मल्टीप्लाई में थे तो वो कहाँ जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। तो हम बस हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हम इन तीनों की वैल्यूज़ को प्लेस कर देंगे और अपने डिवाइजर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिएगा हाउ वी कैन प्लेस द वैल्यूज। वी नो दैट पी एक्स इज द डिविडेंड एंड द वैल्यू ऑफ डिविडेंड इज दिस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये क्या है? पी एक्स की वैल्यू है। एंड आर एक्स इज क्या है? आर एक्स इज रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4। तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है? माइनस 2x प्लस 4 अपॉन क्यू एक्स एंड द क्यू एक्स इज x माइनस 2। देखिए इन्होंने लिखा है क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर वर एक्स माइनस टू एंड माइनस टू एक्स प्लस फोर रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले वाला आपका क्वेश्चन है और दूसरे वाला रिमाइंडर है। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 है ना, और अपॉन एक्स माइनस 2। अब हमें जी एक्स को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी कैन डिवाइड बाय डूइंग द लॉन्ग डिविजन। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में भी हमने लॉन्ग डिविजन किया, तो हम सबसे पहले इसका लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा बहुत इजी सा लॉन्ग डिवीजन है इसका। हमें करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 को डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स से वी गेट एक्स क्यूब, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर से वी गेट माइनस 2x स्क्वायर। Then we will change the sign and this will nullify by each other and we get minus 3 plus 2, we get x square minus x plus 6. Now what we should multiply 2x to get minus x square? Obviously minus x se hi karenge. Toh minus x, so we get minus x square plus 2x. Then we change the sign, this is nullify by each other, 3x plus 6. Now we should multiply it. What? We should multiply 2x to get minus 3x. Obviously माइनस 3 से ही करेंगे ना, सो माइनस 3x प्लस 6। नाउ अगेन चेंज द साइन, द कंप्लीटली नलीफाई बाई ईच अदर एंड वी गेट द वैल्यू आफ्टर डिविजन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स। सो दिस इज अवर जी एक्स। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको डिवीजन एल्गोरिथम अगर आता है और आपको लॉन्ग डिवीजन करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
मैं एक और बार ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमें डिविडेंड पता है, क्वेश्चन पता है एंड रिमाइंडर पता है, और हमें डिवाइजर निकालना है। ये चीज़ निकालनी है हमको, एक तरह से अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन, रिमाइंडर और डिविडेंड पता है, डिवाइजर निकालना है। एंड वी नो दैट इन द डिविजन एल्गोरिथम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये इक्वेशन थी, हमने इसको वेरिएबल्स के फॉर्म में, हमने यहाँ पे इसके पॉलिनॉमल्स रख दिए हैं। हमें ये फाइंड करना है जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स को फाइंड करने के लिए पहले इस आर एक्स को मैंने इसमें माइनस कर दिया, और फिर ये इंटू हो रहा था तो डिवाइड कर दिया, वैल्यू प्लेस की, सिंप्लीफाई किया, एंड वी हैव द लॉन्ग डिविजन ओवर हेयर, कि हमें यार लॉन्ग डिविजन करना है। ये लॉन्ग डिविजन कर लिया, डिवाइड करके आंसर आ गया, और यही किसकी वैल्यू थी, जी एक्स की, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे साथ क्लास टेंथ का सिलेबस करने में मज़ा आ रहा है और मेरे सॉल्यूशंस आपको समझ आ रहे हैं, बहुत इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।